Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, As-salatu as-salam. Bala bhi khud hi binaya hai toh मैंने ये दिल में इरादा किया था कि रबी जुलजलाल अगर मुझे मौका आता फरमाए तो मैं इंशाल्लाह इन बच्चों को खेल का पूरा पूरी सहूलियत पहन पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और अल्लाह का शुक्र है कि इसी मैदान में नहीं हर मैदान में हम कोशिश कर रहे हैं और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इंडोर स्टेडियम जो पिछले चार साल से इसी तरह था आज उसका काम शुरू हुआ है और मंडी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडोर स्टेडियम लाने में कामयाबी हासिल की है जो लगभग 7 करोड़ रुपए का बनेगा और जिसमें इंडोर स्टेडियम के अंदर ही वॉलीबॉल कोई ग्राउंड नहीं है। आपका ग्राउंड देख कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं शाहजी साहब से ये कहूँगा कि वो इसका इस्टीमेट करें। मैं आपको वादा करता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड आपको हम यहाँ पर बना कर देंगे। इसके लिए अगर जितना भी वो इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट बनाएं और इंस्ट्रूमेंट मुझे दें, इंशाल्लाह इस पर हम तकरीबन 50 लाख रुपए तक भी खर्चे करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ अगर यहाँ के गिरदनवा में जो लोग हैं वो हमारा ताउन करें तो मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि आपको 1 करोड़ का लिंक भी यहाँ पर दिया जाएगा, चाहे आप इस तरफ से लें चाहे इस तरफ से लें। उसके लिए भी मैं शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इसका भी एस्टिमेट तैयार करें ताकि उसके भी हम टेंडर करवा दें ताकि बासानी यहाँ पे गाड़ी भी आ सके और बाहर के लोग भी आ सके। मुझे बड़ी खुशी है, मैं चाहता हूँ कि नौजवान हम कोई इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वोट्स की बात नहीं कर रहे हैं जैसे शाह साहब ने फल है, बहुत दूर की बात है। हम चाहते हैं कि जो जज्बा वलवला हम लेकर चले हैं उसके लिए नौजवानों का ताउन हमारे साथ रहे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हालात यहाँ के बदल जाएंगे और यहाँ तरक्की इंशाल्लाह ताला आपके हमारे कदम को चूमेगी। चूँकि सबसे बड़ी बात है कि इंसान की नीयत तो ही दारोमदार है सारा कुछ। मैंने कल भी किसी कहा था कि हम सुन्नत फर्ज नफल उसमें सब कुछ एक जैसा पढ़ते हैं लेकिन उसको जो डिफ्रेंशिएट करता है वो हमारी नीयत करती है कि हम फर्ज पढ़ रहे हैं या सुन्नत पढ़ रहे हैं, उसके नीयत पे ही दारोमदार होता है। तो हमारी नीयत भी रब्बुल जलाल के